सेवा आयोग लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बिहार तकनीकी सेवा आयोग से संबंधित आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग एग्जाम के विषय में महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ये लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम होगा कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आज एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। उस नोटिस में एग्जाम के संबंध में कुछ खास अपडेट दिया गया है कि एग्जाम कब से शुरू किया जाएगा और एडमिट कार्ड कब तक जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम हाल में जाते समय आपको क्या क्या लेकर जाना होगा और एग्जाम में क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। उससे पहले हम आपके लिए नोटिस दिखाना चाहते हैं दोस्तों, जो नोटिस इसमें जारी की गई है। दोस्तों ये 24/8/2023 को बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें बिहार सरकार और बिहार तकनीक सेवा आयोग हार्डिंग रोड पटना आवश्यक सूचना, इसमें साफ साफ निर्देश दिया गया है। विज्ञापन संख्या 07/2023 से 36/2023 तक व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन की सूचना, श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष बिहार पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर आईटीआई योग्यताधारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 07/2023 से 36/2023 व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों का सितंबर 2023 माह के प्रथम सप्ताह से बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में दो पालियों में परीक्षा संभावित हो चुकी है। उक्त से संबंधित आवश्यक सूचना, एडमिट कार्ड आदि हेतु आप आयोग के वेबसाइट www.btsc.bic.nic पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही बिहार व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों के लिए जारी किया जाएगा एडमिट कार्ड। तो दोस्तों हम आपको बता दें, बिहार अनुदेशक के जितने भी पद हैं उनके लिए अब परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा की तिथि का जो निर्धारण है वो सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा और जो परीक्षा शुरू की जाएगी विभिन्न जिलों में की जाएगी और ये परीक्षा दो पालियों में होगी। दो पालियों में ये इस परीक्षा का विस्तार किया जाएगा और दो पालियों में इस परीक्षा को संपन्न कराई जाएगी। सितंबर के प्रथम सप्ताह में ये परीक्षा जारी की जाएगी। मतलब दोस्तों अभी भी आपके पास लगभग 8 से 10 दिन का समय है। 8 से 10 दिन बाद बिहार व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों के लिए एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पर जारी हो जाएगा। सभी छात्र आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर की सहायता से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप व्यवसाय अनुदेशक के पद पर ऑनलाइन आवेदन किया है तो सितंबर माह से आपका एग्जाम घोषित किया जाएगा। दोस्तों आइए अब जानते हैं एग्जाम में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों हम आपको बता दें, जैसे ही आप एग्जाम देने जाएं तो सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड अवश्य लेकर जाएं, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड को आपको एग्जाम हाल में आपका प्रवेश नहीं किया जाएगा और आपका प्रवेश बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम हाल में प्रवेश करना वर्जित है। इसलिए अगर आप एडमिट कार्ड और एक फ़ोटो लेकर आप एग्जाम हाल में जाएं,
दूसरा जो प्रमाण पत्र है वो आधार कार्ड है। दोस्तों आधार कार्ड को एग्जाम सेंटर में ले जाना अनिवार्य है, बिना आधार कार्ड के आपके डॉक्यूमेंट का सत्यापन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको आधार कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी है तब भी चल जाएगा, आपकी एक आईडी होना अनिवार्य है। बिना आईडी के आपको एग्जाम हॉल में प्रवेश की अनुमति आपकी नहीं दी जाएगी। इसलिए दोस्तों व्यवसाय अनुदेशक के पदों के लिए जो सितंबर माह में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उस परीक्षा में अगर आप उपस्थित हो रहे हैं तो अपना अपना आधार कार्ड या एक अपनी आईडी लेकर जरूर जाएं, और अपने साथ जो तीसरी आईडी है वो एक फ़ोटो आप अवश्य लेकर जाएं। दोस्तों फोटो वो होनी चाहिए जैसे आपने व्यवसाय अनुदेशक के पद पर जब ऑनलाइन आवेदन किया है, ऑनलाइन आवेदन करवाते समय आपने जिस फोटो का इस्तेमाल किया है उसी फोटो को आप एग्जाम हॉल में लेकर जाएं। चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो आपका है सिग्नेचर। जब आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा तो आपको सिग्नेचर करवाया जाएगा। दोस्तों आपने ऑनलाइन आवेदन करवाते समय जिस सिग्नेचर को फॉर्म में अपलोड किया है, सेम वही सिग्नेचर आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन के समय या सिग्नेचर सत्यापन करवाया जाएगा, वही सिग्नेचर आपको करना होगा, उसी सिग्नेचर के मुताबिक आपका सत्यापन किया जाएगा। तो दोस्तों व्यवसाय अनुदेशक के इस पद के लिए जो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा वो 23 सितंबर यानी सितंबर के प्रथम सप्ताह लगभग 4 से 5 सितंबर तक एडमिट कार्ड आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड में ही आपके परीक्षा केंद्रों का भी जिक्र होगा जिसमें ये दिया होगा कि आपका परीक्षा केंद्र कहाँ है और आपका को परीक्षा कहाँ देना होगा। तो दोस्तों जैसे ही बिहार व्यवसाय अनुदेशक के पद के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा वहाँ आपको अपना नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और उसमें एग्जाम से संबंधित संपूर्ण सावधानी दी होगी, उसी सावधानी को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप व्यवसाय अनुदेशक के पद पर आप अपना एग्जाम दीजिए। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत कम समय है, इसलिए 5 से 6 या 1 हफ्ते का समय अभी बचा है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए और अपने अपने संपूर्ण डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि व्यवसाय अनुदेशक के जो पद हैं इनका जो एग्जाम शुरू किया जाएगा वो सितंबर माह में शुरू किया जाएगा और लगभग सितंबर माह के प्रथम सप्ताह यानी 4 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक आयोग अपने वेबसाइट के माध्यम से व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर देगा। उसी एडमिट कार्ड के अनुसार आपका परीक्षा केंद्रों का निर्धारण होगा और आप परीक्षा दे पाएंगे। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी व्यवसाय अनुदेशक के पद के लिए। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।